गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सब की स्टडी कैसी चल रही है। तो कल की वीडियो में आप सब लोग ये पूछ रहे थे कि ये कौन सी बुक है जो मैंने अभी स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, ये ज्ञान पब्लिकेशन की इतिहास की बुक है जो कि पूरी NCERT के सार पर आधारित है, जिसमें NCERT को टोटली संक्षिप्त रूप में दिया गया है। मीन्स NCERT का कुछ भी मैटर छोड़ा नहीं गया है। और इस बुक की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें ग्राफिक्स और मैप यूज़ किए गए हैं, टेबल्स बनाई गई हैं, जिससे कि कोई भी कंटेंट इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें कल मैंने कुछ विद्रोह पढ़े थे जो 1857 से पहले हुए थे, और आज का जो टॉपिक है वो 1857 के विद्रोह के बारे में है। और 1857 का जो विद्रोह है वो पूरा टॉपिक आज मैं क्लियर करूँगी इसी बुक से। और ये बुक सच में बहुत अच्छी है। मैंने कहा था कि मैं पहले इसको पढ़ूँगी तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फ्रेंड्स, पंख तो सभी के होते हैं लेकिन सभी ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाते, क्योंकि उनके अंदर साहस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती। हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है ऊंची उड़ान भरने के लिए। और एक चीज़, निरंतर अभ्यास से सफलता को आसानी से पाया जा सकता है। कोई भी चीज़ अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। जैसे बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, ऐसे ही आपकी स्टडी थोड़ी थोड़ी करके ही कंप्लीट होगी। और निरंतर अभ्यास की बात तो ये ही समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, एक कहावत थी जो हमने पढ़ी थी कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कि कुएं की जो रस्सी होती है उसके आने जाने मात्र से ही उसका जो पत्थर होता है वो घिस जाता है। तो कहाँ रस्सी और कहाँ पत्थर, लेकिन फिर भी उसकी निरंतरता की वजह से, एक ही जगह पर बार बार प्रयास, बार बार अभ्यास की वजह से वहाँ पर निशान पड़ जाता है। तो इसी का यही मतलब है कि एक ही जगह पर किया गया बार बार प्रयास जरूर सफलता की ओर ले जाता है। तो मैं अपने सारी फ्रेंड्स से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको यही कहना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स को, कि अपना अभ्यास मत छोड़िए, अपने प्रयास मत छोड़िए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। कुछ ना कुछ सफलता आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। और अभी आगे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, TGT, PGT, LT की वैकेंसी आने वाली है, और जिन्होंने UPPCS का फॉर्म डाला है वो PCS की प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो कमी नहीं है आपके पास, मौके बहुत हैं, मौके आते जा रहे हैं, बस ज़रूरत है मेहनत की, प्रयास की और निरंतर अभ्यास की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।